कंप्यूटर। राइट मुमताज भाई, इट्स नाउ योर टर्न, ओवर टू यू। ये आवाज सही आ रही है जी? जी आ रही है। अच्छा अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारी इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है सब असमावात, जिसे आमतौर पे सात आसमान कहा जाता है। तो पहले मैं समा के बारे में, कुरान पाक में जो कुछ आया है उसके बारे में बात करेंगे। चार तरह से इसका जिक्र आया है। एक है समा, जो कुछ हमारे सर के ऊपर है, ये कॉन्टेक्स्ट इसको डिफाइन करता है, इसके मीनिंग को। बादलों को भी समा कहा गया है, और जो सितारे हैं आसमान पे कहकशां नजर आते हैं उनको भी। दूसरी टर्म यूज हुई है समावात वल अर्ध, ये है यूनिवर्स, पूरी कायनात। इसके अंदर से हम किसी समा को निकाल नहीं सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तीसरी टर्म यूज हुई है सब असमावात, ये एक अलग से यूनिट है जिसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे एज ए सोलर सिस्टम। और ये याद रखिएगा, दो योम में इसकी तश्कील हुई है, बनाया गया है। समावात वल अर्ध 6 योम में, सब असमावात 2 योम में। इसके बाद एक और टर्म इससे मिलती जुलती, समावात सब, इसको हम न्यूमरस गैलेक्सीज, न्यूमरस हेवंस या कुछ भी ले सकते हैं। तो रिसर्च मेथड जो मैंने यूज किया है वो तीन तरीके से, एक तो प्लेटफॉर्म ऊंचा मिल गया हमें अलामा साहब की वजह से, और दूसरा फिर नुसरेफुल आयात, ये तरीका, यानी सारी आयात एक जगह जमा की और फिर देखा कि इससे क्या नतीजा अख़द होता है। प्रिसी एन वर्ड मेथड आप देखेंगे ये मैंने यूज किया है, यानी हर लफ्ज को अहमियत दें और उससे जो मीनिंग निकलते हैं उसको इग्नोर ना करें। ईच वर्ड इज यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट। तीसरा तरीका कुरान विद साइंस, पहले तखलीक का इल्म हमारे पास नहीं था या कम था, तो हम वो नतीजे अखज नहीं कर सकते थे जो आज हमें एस्टेब्लिश साइंस दे रही है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। यह आयात मुतशाबिहात का तरीका होता है या उनकी खासियत होती है कि जूं जूं जमाना तरक्की करता है उनको डिफरेंट मीनिंग जमाने के लिहाज से उनके जाहिर होते हैं और वो जमाने से हम आहंग होता है। तो अब हम देखेंगे कि सबा समावाद के सिलसिले में कुरान में क्या आया है। तो पहले सारी आयात इस सिलसिले में जमा करें, फ़क़दाहुन्ना सबा समावात फी यौमैन, ये याद रखिएगा 2 दिन में इसका। 7 जगह इसका जिक्र आया है सबा समावात या सबा तराइक के तौर पे, 2 जगह है समावात सबा। अच्छा, उन 7 जगहों में 5 तो ऐसी हैं जिसमें तफसील बयान की गई है कि ये सबा समावात है क्या चीज। उसके बाद एक है हवाला जिसमें 2-3 आयात हैं जिसमें कि ये इसकी बना कैसे, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसी हुई, ये निजाम कैसे बना। और आखिरी जो हवाला है सूरह अल मुल्क का, उसमें अल्लाह ताला बड़े प्यार से चैलेंज करते हैं कि तुम देखो कोई इसके अंदर रखना आपको नजर आता है। तो हम अब इन हवालों में एक एक करके जाएंगे, उम्मीद है मैं टाइम के अंदर सारी बात कंप्लीट कर लूंगा। तो अब हम चलते हैं, हाँ एक और भी मैं हवाला दे दूं कि खलक समावात वल अर्द फी सित्तत अय्याम, ये जो है समावात वल अर्द, इससे अगली ये स्लाइड है, इसमें 27 हवाले हैं। और ये स्लाइड आप देखेंगे इसमें खलक समावात वल अर्द फी सित्तत अय्याम, 6 दिनों में अल्लाह ताला ने तखलीक किया। और ये हवाले मैंने दे दिए हैं, 7 दफे कुरान पाक में जिक्र है। ये अलग चीज है
सब समावात अलग चीज है। ये बहुत अहम चीज है, कुरान हर चीज को गड़बड़ नहीं करता। ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं प्रिसी एंड अवर्ड मेथड। तो आइंदा के लिए जो तालीम याफ्ता मुसलमान हैं वो इसको अडॉप्ट करेंगे। अल्लामा साहब ने कुछ इसको अडॉप्ट किया तो वो कुरान पाक के मीनिंग को कहां से कहां ले गए। तो इसको फर्दर एक्सप्लोर करने की जरूरत है और दिस इज द एरिया टू एक्सप्लोर। अच्छा, अब हम अपने पहले हवाला की तरफ जाते हैं सबा समावात का। सूरा अल बकरा में आयत नंबर 29, हुवल्लज़ी खलकलकुम, जिसने तुम्हारे लिए तखलीक किया, माफी समावात माफिल अर्द जमीन, जमीन और इसके अंदर जो कुछ है तखलीक किया, सुम्मा इसके बाद अस्तवाय समाए, समा की तरफ मुतवज्जो हुआ यानी ऊपर उस जमीन के अलावा, फसव्वाहुन्ना, इसको फैशन किया, सबा समावात, सात समावात में। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सुम्मा को अगर हम सीक्वेंस में लें तो पहले जमीन का अल्लाह ने बताया कि इसको और इसकी चीजों को जो है तखलीक किया, उसके बाद सवा समावात की सूरत में बाकी चीजों को फैशन कर दिया। अब सोलर सिस्टम देख रहे हैं, इसके अंदर प्लैनेट देख रहे हैं, ऐसे अगली आगे वाली आयत देखिएगा, स्लाइड देखिएगा और इससे आगे ये, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सात प्लैनेट तो ऊपर तले हैं। प्लूटो जो है वो 2006 में प्लैनेट की डेफिनेशन से निकल चुका है, ड्वार्फ प्लैनेट्स या एक रॉक्स की सूरत में वो काइपर बेल्ट के अंदर वो है, लेकिन वो आप प्लैनेट की डेफिनेशन में रहा ही नहीं। तो साइंस एस्टेब्लिश जो है उसमें एक प्लैनेट्स हैं और एक सूरज है। तो इसको अब पहले अल्लाह ने जमीन बनाई, इसके बाद समा को फसवा किया, फैशन किया। अगर हम लेते सबा समावात को कायनात में लेते तो फिर ये सीक्वेंस बनती नहीं थी, फिर सुमा मोर ओवर के तौर पे यूज तो हो सकता था लेकिन सबा समावात के तौर पे यानी सुमा सीक्वेंस में इसको सुमा वर्ड को नहीं ले सकते थे। तो ये है जनाब पहला हवाला। अब दूसरे हवाले की तरफ जाते हैं इस अगली स्लाइड में। अल्लाह हुल्लज़ी नहीं, नेक्स्ट स्लाइड और आगे जाइए, स्लाइड नंबर हाँ ये वाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह तलाक की 12 नंबर आयत है, अल्लाहुल्लज़ी खलक सबा समावात व मिनल अर्द मिस्लहुन्ना, अल्लाह वो है जिसने सात आसमान तखलीक किए और जमीन भी उस जैसी। अब इस व मिनल अर्द मिस्लहुन्ना में के तर्जुमों में बहुत से लोग फंसे हुए रहे, लेकिन एक हमारे डॉक्टर मुनीर साहब भी थे, उन्होंने 15 साल इसी पे गौर किया और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि यार हम अगर इसको प्रॉपरली देखें तो जमीन भी उन जैसी जैसे वो सबा समावात हैं, बिल्कुल वाजे हो गई बात। इसके बाद है यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, इसके अंदर अल्लाह के कानून कुदरत आते हैं, लिताअलमु, ताकि आपको पता चले, आपसे कौन मुराद, मैं आप जो सुन रहे हैं और लोग, अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, क्या पता चले कि हर चीज कदीर में जकड़ी हुई है, व अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्ले शैइन इल्मा, और हर चीज अल्लाह के नॉलेज में है, यानी अल्लाह ने पहले उसका तरीका क्रिएट किया, नॉलेज जिसे कहते हैं, और हर चीज को कदीर में जकड़ दिया। कदीर और अम्र, इस पे किसी और वक्त तफसील से बात होगी, लेकिन कदीर है पैरामीटर्स या मेजर्स जो हर चीज के अंदर होते हैं। अब अम्र आता है डायरेक्शन के साथ, अम्र के अंदर डायरेक्शन होती है जिससे नेचुरल फोर्सेस होती हैं, तो वो इस निजाम को चला रहा है, और आप ताकि आपको पता चले कि हर चीज के पैरामीटर्स हैं उसमें वो जकड़ी हुई है, और हर चीज अल्लाह के नॉलेज के अंदर है, यानी अल्लाह ताला खुद ये कर रहा है। लिताअलमु इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसके बाद दूसरा हवाला, नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, ये बिल्कुल
डिफाइन कर देती है सोलर सिस्टम को सवा समावात। आप देखिएगा कि हर तरीके से अल्लाह ताला ने बात को इधर करके उधर करके बिल्कुल वाजे कर दिया है। अलम तरव, ये प्रिसीजन वर्ड मेथड है, इसका मतलब है क्या तुम नहीं देखते, यानी ये मैं और आप से मुखातिब है कि हम क्या नहीं देखते या जो भी है इस जमीन पे आदमी, यानी ये ऐसी चीज है जिसे हम देख सकते हैं। अगर हम इसे ना देख सकते तो अल्लाह ताला फरमाते वमा अदरा कमा सवा समावात। वमा अदरा कमा का वर्ड यूज हुआ है, वमा अदरा कमा तारिक, वमा अदरा कमा लैलतुल कद्र, वमा अदरा कमा यौमुद्दीन। ये जो चीजें इंसान नहीं उसके अदराक में आ सकती, अल्लाह ताला उसकी अहमियत को बताता है, उसको डेफिनेशन बताता है। लेकिन जो चीजें हमारी ऑब्जर्वेशन रेंज में आ सकती हैं, जैसा कि सोलर सिस्टम एक एस्टेब्लिश साइंस की सूरत में हम इसकी हर चीज देख रहे हैं, बल्कि मार्स पे तो उतर भी चुके हैं और बाकी चीजों के गिर चक्कर लगा चुके हैं, मतलब है इंसानियत, तो ये हमारे आने वाली चीज है, ऑब्जर्वेशन रेंज के अंदर है। कैफा अलम तरव, कैफा खुलक अल्लाह सबा समावात इंतबा का, अल्लाह ताला ने किस तरह से सात आसमान ऊपर तले, आसमान ने सात हेवंस ऊपर तले तखलीक किए। अब तबाका का वर्ड बड़ा अहम है, सबा समावात वजअलनल कमरा फीहिन्ना नूरा, फीहिन्ना का मतलब है सबा समावात के अंदर, चांद मग बनाया जगमगाता, वजअल शमसा सिराजा और सूरज बनाया रोशन। अब ये आप देखें कि अब आप कहीं और आपका ख्याल जा ही नहीं सकता, हमारे सूरज की बात हो रही है, ये उन सबा समावात के अंदर, और जगमगाता चांद फीहिन्ना का वर्ड यूज किया है और ऊपर तले ये बनाए हैं। तो इसके बाद आप और देखें कि इसी में चौथा हवाला है सूरा अल नबा की आयत 12 और 13, वबनैना फौकहुम सबअ शिदादा, हमने बनाए तुम्हारे ऊपर सात मजबूत प्लैनेट्स, सात सियारे, मजबूत जिस्म, वजअलना सिराजन वहाजा, और बनाया गरम और रोशन चिराग, बिल्कुल सोलर सिस्टम। अच्छा, अब एक पांचवा हवाला ले लें। इस चौथे हवाले में मैं आपको यह बता दूं कि आगे पीछे की आयतें भी देखे ना, तो वो है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, रात बनाई सोने के लिए, आराम के लिए, दिन काम के लिए, मुआशियात के लिए, वह बनाई ना फौकुम सबअन शिदादा, आपके ऊपर सात आसमान तखलीक किए, सात प्लैनेट्स, वजअलना सिराजन वहाजा वअंजलना मिनल मुसअरात माअ सज्जाजा, यानी ये हमारे ही इर्द गिर्द के सिस्टम की बात हो रही है। तो हम शाको सबाक में भी देखते हैं तो हम कहीं दूर नहीं जा सकते। इसके बाद सूरा अल मोमिनीन की आयत 17 है, लकद खलकना फौकुम सबअ तराइक। अच्छा, इसमें इसका सियाक व सबाक यह है कि वलकद खलकना फौकुम सबअ तराइक वमा कुन्ना अनिल खल्किल गाफिलीन वअंजलना मिनस समाए माअन बिकद्र फअस्कुन्ना हु फिल अर्द वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लकादिरून। बड़ी जबरदस्त बात कही है, अल्लाह ताला कहते हैं लकद खलकना, इस तरह अल्लाह ने बनाए तुम्हारे ऊपर, यानी मेरे और आपके ऊपर, सब अतराइक, सेवन आर्बिट। अब देखें रास्ते, आर्बिट का लफ्ज यूज कर लिया अल्लाह ने, और सिराजम व हाजा, ये आज इस पे भी आप गौर करें तो ये हमारा सोलर सिस्टम बनता है जिसमें मरकरी, वेनस, मार्स, जेपुटर, सैचरन, यूरेनस, नेपच्यून, ये तो सात प्लैनेट्स हो गए, वल अर्थ मिसला और जमीन उन जैसी आठवीं। तो ये डेफिनेशन, ये तीन हवाले इस बात को कंप्लीट करते हैं कि सोलर सिस्टम से आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर बाहर निकल जाते तो अलम तरव का वर्ड ना आता, याद रखिएगा, और वजाल कमरा फी हिन्ना का वर्ड ना आता, वजाल कमरा नूरम वजाल शम्स सिराजम आता, तो यानी इसको अगर इंडिपेंडेंट करना होता तो उसके बाद जनाब ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ सबा समावात, इसके
अल्लाह ताला ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया है कि पहले बताया कि तखलीक किया वल अर्द मिसलहुन्ना, उससे पहले भी एक चीज बताई वो भी बड़ी अहम थी कि अल्लाह ने जमीन बनाई फिर आसमान बनाया, तो ये इसका मतलब ये कुछ अपना यूनिट है अलग से। पूरी कायनात तो सबसे पहले बनी, जमीन तो बहुत बाद में बनी, लेकिन सब समावात का जो यूनिट है ये बाद में बना। तो इस तरह ये सारे हवाले आप देखें और उसके बाद किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम को अल्लाह डिफाइन कर रहा है। उसके बाद है इसकी तामीर का मरहला। तो ये तामीर कैसे हुआ? दो यौम में हुआ। तो इसका कुरान भी बताएगा तामीर कैसे हुआ। और पहले मैं आपको साइंस बता दूं कि सबसे पहले बड़े स्टार्स के अंदर कुक हुए इसके 92 स्टेबल एलिमेंट्स। स्टेबल एलिमेंट जो जिससे पूरी कायनात बनी हुई है, कुछ अनस्टेबल है वो उनको छोड़ के 92 स्टेबल, जिनमें यूरेनियम भी शामिल है, सबसे हल्की हाइड्रोजन है, सबसे भारी यूरेनियम है। 64वें नंबर पे गोल्ड है, इसी तरह हेलियम है, फिर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, सिल्वर है, और ये सारी चीजें 92 एलिमेंट्स बने जिससे ये जमीन बनी हुई है। तो ये कुक होते हैं स्टार्स के अंदर, बड़े स्टार्स के अंदर। और जब कुक हो चुकते हैं, लोहा बनने लगता है, तो फिर वो उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर वो फट जाता है। लोहा जो है बहुत बड़ा बन के सिकुड़ जाता है और गायब हो जाता है, इस सेंस में कि बहुत छोटा हो जाता है और कशिश शक्ल बहुत ज्यादा होती है, ब्लैक होल बन जाता है। और उसके जो बाहर मटेरियल होता है वो विद हाफ स्पीड ऑफ लाइट साउथ नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है तेजी से, बहुत तेजी से वो जमीन के एलिमेंट्स निकलते हैं और वर्लपूल बना लेते हैं। इससे आगे वाली स्लाइड देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सूरज वर्लपूल एक है, उसमें उसके मरकज में हाइड्रोजन जमा हुई, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन जमा हुई, तो कशिश शक्ल की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और सूरज इग्नाइट हो गया। सूरज इग्नाइट हो गया है लेकिन अभी तक प्लैनेट्स नहीं बने हैं, तो प्लैनेट्स धुआं की सूरत में बाहर वर्लपूल बना हुआ है। तो इन वर्लपूल के अंदर पहले जमीन बनेगी, उसके बाद बाकी प्लैनेट्स बनेंगे। तो ये है तखलीक का तरीका। तो आप साइंस में यानी किस तरह से सोलर सिस्टम बनाया गया, तो वर्लपूल बना, एलिमेंट्स आए और बाहर हवा मौजूद थी, हाइड्रोजन तो हर जगह मौजूद होती है गैलेक्सी के अंदर, तो वहां पे उसका वर्लपूल बना, उसमें हाइड्रोजन मरकज में जमा हुई, मरकज में जमा होने के बाद उसमें कशिश शक्ल बहुत ज्यादा पैदा हो गई, इतनी ज्यादा कि हीट अप होके वहां इग्नाइट हो गई, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और वो सूरज इग्नाइट हो गया। ऐसे ही बनते हैं सारे सिस्टम। इसके बाद अभी तक बाहर वर्लपूल है। अब जो गर्मी हुई है तो आप देख रहे हैं येलो कलर, कि यहां से जो वाटर वेपर या दूसरी चीजें वो जरा दूर हो रही हैं और जो हैवी एलिमेंट्स हैं लाइक गोल्ड, यूरेनियम, आयरन, ये करीब ठहरे हुए हैं। इनसे सिलिकॉन वगैरह से 4 सॉलिड प्लैनेट बनेंगे, जो दूर हुए हैं उनसे गैसियस प्लैनेट बनेंगे, जिनके अंदर गैस है, इन सेंस में कि वो सॉलिड नहीं है। अच्छा, इस ये है तरीका साइंस का कि किस तरह से सोलर सिस्टम हमारा बना। इसके बाद अगली स्लाइड देखिए। अब हम आते हैं कुरान पाक में कि वहां क्या जिक्र है कि सोलर सिस्टम कैसे बनाया गया। सूरह फुसिलत की आयत 9 से 12 तक इसका जिक्र है। कुल इन्नकुम लतकफुरूना बिल्लज़ी, आप कह दीजिए कि क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो, खलकल अर्द फी यौमैन, जिसने जमीन को बनाया 2 स्टेजेस में, 2 पीरियड में। पहला पीरियड जब इसके एलिमेंट कुक हुए बड़े स्टार्स के अंदर, हमारे सूरज से 4-5 गुना बड़े, 10 गुना बड़े स्टार्स जो हैं उनके अंदर कुक हुए और बाहर फेंके गए बड़ी तेजी के साथ। तो ये है पहला, और उस जगह पहुंचा दिए गए जहां अब सोलर सिस्टम बनना था। दूसरा मरहला, जमीन की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। पहले इलेक्ट्रिक की वजह से वो आपस में थोड़े थोड़े को एलेस हुए, उसके बाद कशिश शक्ल की वजह से
पूरा रोड़े बने, रोड़े बनने के बाद वो एक दूसरे से कच्चे शकल और बढ़ी तो 200 के करीब जमीनें बन गई हार्ड सॉफ्ट बाद में बनेगा। तो उसके वो मिलते जुलते आखिर में इस वक्त 4 हैं लेकिन उस वक्त 5 रह गई। पांचवी ने जमीन से टकराना था और अपना लोहा जमीन के हवाले करना था तो और चांद में बनना था। तो ये इसका वो है। अच्छा अब इसमें बात है आयत नंबर 9 कुल आइन्ना कुल अताकुमा बिल्लज़ी खलकल अर्ध फी यौमैन, दो यौम में दो पीरियड में जमीन बनी। तीसरी आयत नंबर 10 है कि जमीन को मुजयन कैसे किया गया कि इसके अंदर पानी आया, लोहा आया, एग्रीकल्चर दिस दैट, वो मैंने यहाँ पे नहीं दी। इसके बाद की मैंने दी है आयत नंबर 11 सुमस्तवा इलस्समा इभयदुखान, उस वक्त अल्लाह ताला समा की तरफ मुतवज्जो हुआ, वही दुखान जो उस वक्त दुखान की कंडीशन में यानी कि स्मोक की कंडीशन में था। तो आपने ऊपर साइड में देखा कि वर्लपूल है, उसके अंदर जो स्मोक के एलिमेंट्स होते हैं काले रंग का वर्लपूल गैसेस वो उस वक्त मौजूद है, धुएं की हमें ऐसे लगता है जैसे धुआं हो। वही दुखान फकाल लहा वलिल अर्द, इससे और जमीन से कहा आतैना तवन और करहन, आप मर्जी से आए या जबरदस्ती आए अलग हो जाए। काला ता आतैना ताएन, तो उन्होंने कहा हम बखुशी आते हैं अलग अलग होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई चॉइस नहीं है, दे डोंट हैव एनी फ्री विल। तो उसके बाद आयत नंबर 12 है फकदा हुन्ना सबा समावात फी जो मैंने, डिजाइन कर दिए 7 प्लेनेट 7 हेवन 2 योम में, यानी जमीन के और ये 2 योम जो समावाद के हैं ये ओवरलैप हैं, एक ही चीज है कि जमीन और समावाद एक ही उसमें बने, तो 2 स्टेजेस में। वह औखा फी कुल समा ए अमरेहा, और हर समा के अंदर आप अल्लाह ने अपना कानून कुदरत में उनको जकड़ दिया, अपना अमर भेज दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि साइंस का वो तरीका और कुरान की ये आयात खुल के सामने आ गई, आपने इस पे गौर करना है, गौर फिक्र करना है, तो ये एग्जैक्टली वो चीजें एक्सप्लेन कर रही हैं। ये इंसान की ऑब्जर्वेशन रेंज के अंदर आ गई या इंसान की समझ या अदराक के अंदर आ गई, हुआ तो ये 4.5 अरब साल पहले था, ये सोलर सिस्टम बना 5 अरब साल पहले, जमीन बनी 4.5 अरब साल पहले, लेकिन हमें अब यानी कि पिछले 100 साल के अंदर ये पता चल रहा है या पिछले 75 साल के अंदर कि ये इस तरह बना। और पुराने पाक की आयात को जब हमने देखा और गौर किया तो पता चला कि ये तो कंस्ट्रक्शन भी डिस्क्राइब कर रही है कि अल्लाह ताला ने जमीन बनाने के बाद समा की तरफ मुतवज्जो हुआ और उसे डिजाइन कर दिया 7 प्लैनेट्स में 2 स्टेजेस के अंदर। वऔहा फी कुल्ले समाए अमरेहा, अच्छा इसके बाद है वज़य्यन समा दुनिया बिमसाबीहा वहिफ़्ज़ा, और जमीन का समा यानी साथ में अब कॉन्टेक्स्ट भी देखिए कि 7 प्लैनेट ऊपर हैं लेकिन जमीन का जो समा है उसको अल्लाह ताला ने कैनोपी बनाया, प्रोटेक्शन कैनोपी, और उसे मुज़य्यन किया लैंप्स के साथ, मसाबीख यानी जो सितारे हैं उनसे, वहिफ़्ज़ा और इसे प्रोटेक्शन ले दिया। तो प्रोटेक्शन पे शायद पहले भी बात हो चुकी है और फिर भी होगी कि ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत जो खतरनाक शुआएं हैं या तूफान है जो सूरज से उठते हैं उनको डिफ्लेक्ट कर देता है। ओजोन लेयर है जो कि गैमा रेस को जो डेंजरस होती है जमीन तक नहीं पहुंचने देता। इसके बाद हवा का लेयर है, और भी 3-4 लेयर्स हैं, इस पर किसी और मौके पर बात होगी उसी कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन मेटोराइड्स भी जमीन पे आते हैं तो हवा में जल जाते हैं, जमीन पे शायद ही जो बड़े कोई हो तो पहुंच पाए, वरना ये इतना अच्छा प्रोटेक्टिव लेयर है कि इसकी रगड़ से पत्थर तक जल के और खत्म हो जाते हैं ऊपर। इसके बाद अगली आप देखें तो वो प्लेनेट आपको एक दफे फिर आखिरी हवाला से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बनाइना फौकुम सब आशिदादा 7 प्लैनेट्स बनाए, और इनमें मरकरी है, वेनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है,
और आठवीं वल अर्ध मिसला हुन्ना और वजअलना सिराजम व हाजा निहायत रोशन और गर्म चिराग बनाया है अल्लाह ने समा समावात इंतबाका सात हेवंस ऊपर तले। तो ये एक पिक्चर आपके पास तस्वीर है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं इंसान को ब्यूटीफुली, एक खूबसूरत चैलेंज दे रहे हैं बड़े प्यार से, और वो है सूरह अल मुल्क की आयत 3-5 तक। अब ये इसका हर लफ्ज इस आयत का बड़ा अहम है। तो अल्लज़ी खलका सबा समावातिन तिबाका, अल्लाह ने सात हेवंस बनाए ऊपर तले तह दर तह, मा तरा फिल खल्क़ि रहमान मिन तफावत, आप इस तखलीक रहमान की तखलीक में कोई खलल नहीं देखोगे, कोई बेरबती नहीं पाओगे। मा तरा, मा तरा का वर्ड अब आप देखें कि देखें, कोई रबती आप बेरबती नहीं पाओगे। फर्जिल बसरा, आप पलट के फिर देखें, हल तरा मिन फुतूर, क्या आपको इसमें कोई खलल नजर आता है। यानी कि ये मुझे कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है और हर आदमी को ये कहा जा रहा है कि आप जरा देखें तो सही, यानी हम देख सकते हैं। और मेरे एक दोस्त के पास दूरबीन है, उस पे वो जुपिटर के चांद दिखाता है, कुछ और स्टार्स दिखाते हैं, यहाँ छोटी दूरबीन है, कोई बड़ी नहीं है वो, तो इससे मरकरी और ये सारी चीजें, वो उसको ये हॉबी है, तो हम ये चीजें देख रहे हैं। और ये न्यूटन ने ग्रेविटी का जो लॉ बनाया, फॉर्मूला दिया, उसमें उसके हिसाब से मरकरी जो है वो फिट नहीं बैठ रहा था, उसमें कोई 0.01% फर्क था, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था, बाकी सब चीजें ठीक थी। जब आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की, जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी बनाई और फॉर्मूला परफेक्ट किया, और उसने जब देखा, अप्लाई किया मरकरी के ऑर्बिट पे, तो वो परफेक्ट निकला और वो जो सुकुम न्यूटन के फॉर्मूले के तहत आ रहा वो खत्म हो गया। तो उसके बाद आइंस्टाइन कहता है कि वो इतना, उसका दिल धड़कने लग गया, यानी कि उसके जो फॉर्मूला, उसके जो साइंस थी, उसका पहला सबूत मिल गया कि ये दुरुस्त है। उसके कई सबूत, एक सबूत तो पिछले दिनों भी आके मिला, 2-4 साल पहले, 100 साल बाद उसके, लेकिन ये कोई फुतूर नहीं था, जकड़े हुए अल्लाह के अमर के अंदर। तो ये आइंस्टाइन ने इसको कंफर्म किया मरकरी के उसको। तो फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर, आप दोबारा देखें, यानी कि इंसान देख सकता है। कैसीनी भेज के भी अब तो देख रहे हैं, वो जाके चक्कर लगाती है, इवन वो सैचरन द्वारा के चक्कर लगा चुकी है और देख चुकी है। इसके बाद है सुमरजेल बसरा, बार बार निगाह दौड़ाओ, कर रहा था ने जन कले बिलाइकल बसरा खास हमवा हुआ सी, आपकी निगाहें थक हार कर नामुराद वापस पलट आएंगी, यानी यू विल नॉट सी एनी इशू, एनी प्रॉब्लम विद द, कोई खलल आपको इनमें नजर नहीं आएगा। इसमें जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं और जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कोई भी, कि हमें कहा गया है कि आप देखें, यानी वो हमारी ऑब्जर्वेशन रेंज में आने वाला था और अब आ चुका है। आज अगर हम आंखें बंद करते हैं तो हम अपनी थिंकिंग में डिसऑनेस्ट होते हैं कि अल्लाह कह रहा है आप देखो सबा समावात के अंदर और कोई नहीं पाओगे, और हम कहते हैं सबा समावात तो पता नहीं कहां है, हम नहीं देख सकते। नो, हम देख सकते हैं, अल्लाह कह रहा है फिर देखो, बार बार देखो। इसका मतलब ये है, ये वो आयत है कि अगर कुछ कोई आदमी कहे कि नो ये तो सात यूनिवर्सेस हैं, या कुछ वो कहें, नहीं, ये वहां से कट ऑफ कर देता है। ये कहते हैं देखिए अल्लाह कह रहा है सबावा खलक अल्लज़ी खलका सबा समावात इंतबाका, अब ऊपर तले जो सबा समावात बनाए हैं ऑर्बिट्स में की फॉर्म में ऊपर तले, उसको देखें आप, उसमें आपको कोई खलल नजर आता है। आइंस्टाइन ने कंफर्म किया कि कोई खलल जो पहले लोग थोड़ा सोच रहे थे वो भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली 4.5 अरब साल से ये सिस्टम चल रहा है और आइंदा 5 अरब साल तक तकरीबन चलता रहेगा। इसके बाद है एक आयत
وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومَ لِلشَّيَاطِينِ. اللہ تعالیٰ نے زمین سماعت دنیا, اب یہاں سما کا ورڈ ہے, سوا سماوات نہیں, سماعت دنیا, سما جو کچھ ہمارے سر کے اوپر ہے, اس کو بنایا, لیمپ بنایا, اس کے اندر سٹارز رکھے روشن لیمپ کی طرح, وجعلناها رجوما للشیاطین, اور اس کے اندر میٹرائٹس کی بیلٹ بنائی, یعنی کہ جسے ہم ایسٹرائڈ بیلٹ کہتے ہیں, جہاں سے میزائل شیطان کی, یعنی کہ جو کچھ آدمی ایسٹرولوجرز ہیں ان کو شیطان, انسانی شیطان ان کے خیالات پہ ان پہ مار پڑتی ہے. تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ ایسٹرائڈ بیلٹ میں. آپ اگلی سلائیڈ دیکھیے گا, تو اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ یہ سورج روشن اور گرم چراغ اندر, اس کے بعد مرکری, وینس, ارتھ اور یہ سارے, مارس اور جیپوٹر کے درمیان اسٹرائڈ بیلٹ ہے. وجعلنا رجومش, یہاں سے وہ پتھر, ویسے تو پتھر اور بھی ہیں اکا دکا, تھوڑے تھوڑے بہت جگہ ہیں, لیکن یہاں پہ یہ پہلے زمین کے قریب تھی, اب تھوڑی دور ہوتی جا رہی ہے اور جیپوٹر اس کو دور کر رہا ہے تاکہ زمین پہ بہت زیادہ پتھر نہ گرے, تو زمین پہ ادروائز گرے. میں نے پہلے ایک آیت اور کوٹ کی تھی, وہ بڑی خوبصورت ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اللہ تعالیٰ نے نازل کیا پانی کہاں پہ؟ آسمان سے. بِقَدْرِ, ایک قدر کے ساتھ, ایک اندازے کے ساتھ. فَسْكُنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, جو زمین پہ ٹھہر گیا. اور اللہ کہتے ہیں وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ فِي الْأَرْضِ, اگر یہ اڑا دیتا تو اللہ کو تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, جیسے مرکری سے اڑا دیا, یا وینس میں نہیں ہے پانی, اڑ گیا تو گرم بوائل ہو ختم ہو جاتا ہے. زمین پہ پانی آیا, انزلنا من السماء ماء بقدر, اور ایک خاص مقدار سے, اگر اس سے زیادہ ہوتا تو خشکی نہ ہوتی زمین پہ, اگر اس سے کم ہوتا تو ٹیمپریچر میں بہت زیادہ ویریشن ہوتی, فریز ہوتا اور گرم میں بہت زیادہ گرم ہو جاتا. پانی کے سمندر جو ہیں وہ زمین کے ٹیمپریچر کو معتدل رکھتے ہیں, اور زمین ایک ایسے فاصلے پہ ہے سورج کے کہ پانی لیکوڈ رہ سکتا ہے, اور یہ ایک قدر کے ساتھ اتارا. اور یہ بڑی خوبصورت آیت ہے, کیسے اترا؟ ایسٹرائڈ بیلٹ سے ایک ایک چھوٹا چھوٹا پتھر, اس وقت زمین گرم تھی, پانی لے کے تقریباً 15 کروڑ سال زمین پہ ایک ایک پتھر, ایک ایک بوند گرتی رہی, اور اس وقت زمین گرم تھی تو یہ ویپر کی کنڈیشن میں شروع شروع میں ہو جاتا تھا, پھر لیکوڈ ہونا, جمنا شروع, مطلب لیکوڈ فارم میں آتا رہا اور سمندر بن گئے. تو یہ ہے خوبصورت آیت اس کے ساتھ ہی سورہ المومنین کی, کہ پانی نازل کیا اللہ نے آسمان سے ایک خاص اندازے کے مطابق, اور وہ خاص اندازہ کہ انسان نے پیدا ہونا تھا, اور اگر یہ خاص اندازے سے نہیں آتا تو زمین کا ٹیمپریچر اتنا ویری کرتا کہ یہاں لائف نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ ہے وہ نظام سوا سماوات کا جو اللہ نے بنایا. اس کے بعد اگلی سلائیڈ آپ دیکھیے, اس میں قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, آپ کہیے کہ کون ہے جو ہر ایک کو سسٹین کر رہا ہے سماوات السبع. اس کو آپ سارے سماوات بھی, سیورل بھی لے سکتے ہیں اس کا میننگ, اور سبع سماوات بھی لے سکتے ہیں. یعنی اس کے بعد سورہ اسرا کی آیت 44, تو سبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے, ساتوں آسمان و زمین میں اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے. تو یہ تھا جناب آج کا ہمارا ٹاپک, سبع سماوات, سولر سسٹم, اور اس کے متعلق قرآن پاک کی آیات, جس سے ہم نے غور و فکر سے, پریسیژن آف ورڈ میتھڈ سے, اور سارے حوالے جمع کر کے ایک جگہ ہم نے اس پہ غور کیا اور دیکھا کہ سوا سماوات کا کیا ہے. اور ایک اور چیز خاصیت بتا دوں کہ سوا سماوات اب جب کلیئر ہو گیا ہے تو اس سے یہ قرآن پاک کو اوپر لا رہا ہے, اور غیر از قرآن جو آئیڈیاز تھے, جو عقیدے تھے اور ڈگمے تھے, وہ آپ دیکھیے گا کس طرح ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کائنات قرآن پاک کی سچائی کی شہادت دے رہی ہے, اور ساتھ ہی وہ جو غلط عقیدے لوگوں کے بنے ہوئے ہیں
वो हवाओं में उड़ रहे हैं, आप इसको कोलेटरल आप ये देखिएगा कि किस तरह से ये इसको क्लियर करती है। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।